अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, वो ये है कि मस्कत जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले महीने की 8 तारीख यानी 8 मई बरोज़ जुमा तक जो है वो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद ओमान की जो सुप्रीम कमेटी है जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाई गई है, आज उन्होंने रमज़ान के हवाले से कुछ नई रिस्ट्रिक्शन जो है वो अनाउंस की हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि रमज़ान में लोग जो हैं वो किसी किस्म की जो गैदरिंग है उसको मुकम्मल अवॉइड करें और घरों पर ही रहें। उसके बाद मस्जिद जो हैं वो रमज़ान में भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, सिर्फ अजान के लिए जो मस्जिद खुलेगी और मस्जिद में किसी किस्म की नमाज तरावी वगैरह अदा करने की जो है मुकम्मल पाबंदी होगी। उसके बाद रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़, फैमिली गैदरिंग या कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ गैदरिंग्स जो हैं उन सब पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से जो आपसे शेयर करनी थी। तो आप जो है रमज़ान आने वाला है तो इन जो पाबंदियाँ हैं इन पर आपने लाजम जो है अमल करना है, ये सब हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। और रमज़ान में जो आपने जो भी प्रेयर वगैरह करनी है वो आप अपने घरों में ही करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।